नमस्कार दोस्तों, हमारा चल रहा था राजस्थान का इतिहास। क्या चल रहा था? राजस्थान का इतिहास चल रहा था, जिसमें क्या चल रहा था, अजमेर के चौहान राजवंश चल रहे थे। चौहान राजवंश, अजमेर का अंतिम शासक पढ़ रहे थे। कौन सा? पृथ्वीराज थर्ड। कल मैंने सहयोगिता वाली कहानी बता दी थी, तराइन का फर्स्ट युद्ध भी बता दिया था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के साथ। ठीक है, कम उम्र में पृथ्वीराज ने बहुत उपाधियां हासिल की थी, बहुत प्रसिद्धि हासिल की थी। और इधर का मैंने बता दिया जयचंद। ठीक है, संहिता वाला मैटर बता दिया था। और इधर गुजरात का मैंने बता दिया भीमदेव सेकंड, उसके साथ क्या हो गई, संधि हो गई। ठीक है, अब देखो गौरी के साथ एक युद्ध तो हो गया। गौरी यहाँ क्या कर रहा है, मैंने बताया था जिम ज्वाइन कर रखा है। लगभग 7 या 8 महीने तक ये क्या करेगा, मेहनत करेगा और फिर से चलेगा कहाँ, तराइन। ठीक है, ये तराइन का सेकंड युद्ध है, लगभग 1192। इधर से गौरी चला गजनी से और यहाँ लाहौर, लाहौर से क्या भेजेगा, एक दूत भेजेगा। किसको? कायम उल मुल्क को, कायम उल मुल्क को। लेकिन इधर से क्या हुआ, कोई जवाब, पृथ्वीराज से कोई जवाब नहीं आया। क्या हुआ, इधर से कोई जवाब नहीं आया। तो गौरी ने क्या किया, इधर आ गया, कहा तराइन आ गया और इधर से ये भी रवाना। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान इतनी जल्दबाजी में रवाना हुआ था क्योंकि इन्होंने पहले एक युद्ध जीत लिया था और इनको इतना आत्मविश्वास, इतना खुद पर विश्वास था कि ये अकेले चल दिया। वही घोड़े, वही हाथी, वही गोरी, लेकिन बदले की तो सिर्फ क्या, तारीख। इन दो युद्धों ने पूरे भारत का इतिहास बदल दिया। कौन कौन सा? एक तो तराइन का सेकंड युद्ध और एक खानवा का युद्ध। देखो तराइन के युद्ध में तो क्या है, पृथ्वीराज इतना सीरियस नहीं था, लेकिन खानवा के युद्ध में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अगर तराइन का युद्ध हम जीत जाते तो सतलज काल का क्या होता, आगमन नहीं होता। और अगर हम खानवा का युद्ध जीत जाते तो शायद मुगल वंश का आगमन नहीं होता भारत में। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हम ये युद्ध नहीं जीत पाए। इधर से कौन चला, पृथ्वीराज, और उधर से कौन चला, मोहम्मद गोरी आ गया तराइन। ठीक है, कहते हैं कि पृथ्वीराज का एक सेनापति है कौन, उदयराज। ये तो बेचारा तैयार ही नहीं हुआ तब तक ये सेना लेके रवाना हो गया। ठीक है, और सेना ले जाके कहाँ छोड़ दी, तराइन। तराइन में छोड़ दी किसने, पृथ्वीराज। बताते हैं कि इस युद्ध में पृथ्वीराज का सेनापति एक नाम आता है खांडे राव। ठीक है, कौन था इसमें सेनापति पृथ्वीराज चौहान का, खांडे राव। और सहयोगी का नाम आता है सामर सिंह और सामंत सिंह। ये कौन है इस युद्ध में पृथ्वीराज के सहयोगी है। और एक दिल्ली का भी सहयोगी का नाम आता है कौन, गोविंद राय। और बताते हैं कि इस युद्ध में कौन से, तराइन के सेकंड युद्ध में सोमेश्वर और प्रताप सिंह क्या थे, इसके सेनापति थे। किसके, पृथ्वीराज के। ठीक है, प्रताप सिंह और सोमेश्वर, इन्होंने क्या कर दी, इसके साथ गद्दारी कर दी। किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ। और ये जाके किसके साथ मिल गए, गौरी के साथ मिल गए। ठीक है, गौरी ने सोचा कि कहीं लपड़ा ना हो जाए, कहीं लोचा ना हो जाए, तो उसने कह दिया कि मैं तो संधि करने के लिए आया हूँ, युद्ध करने के लिए नहीं आया हूँ। तो भाई कि मैं मेरे भाई से तेरे को मिलाऊंगा, किससे, गजनी से, गजनी जाकर। और तो सेना ने क्या सोचा कि 1-1.5 महीना लगेगा गजनी जाके, वापस आके आते समय। तो सेना इतनी सीरियस नहीं थी और गौरी आमने सामने सेना थी, आराम से खाना बन रहा था, आराम से सभी खा रहे थे और ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ कि युद्ध होगा। और गौरी ने क्या किया, सुबह उठते युद्ध आक्रमण कर दिया, युद्ध शुरू कर दिया। और पृथ्वीराज की सेना क्या हुई, संभली नहीं थी और उसने क्या कर दिया, युद्ध कर दिया। पृथ्वीराज आया तो था किस पर, हाथी पर, लेकिन लड़ने के लिए, लेकिन इसके हाथ लगा यहाँ नटरंग नाम का घोड़ा। ओहो हो, ओ घोड़ो हो जो को सपना चौधरी को फेन, मतलब और डांस शुरू कर दियो।
अभी घोड़ान संभाले है कि अन संभाले सैनिकान। तो कह रहे हो नहीं, और घोड़े डांस करते करते ने और इन पृथ्वीराज ने बताते यहाँ पास में क्या कर लिया, बंदी बना लिया था। ठीक है, देखो पहले युद्ध में तो हम जीते थे, लेकिन दूसरे युद्ध में हम हारे तो थे। ठीक है, हारे, हार तो पक्की है, निश्चित ही है, क्योंकि पृथ्वीराज को क्या कर लिया, बंदी बना लिया था। अब देखो इस युद्ध में कोई नहीं बता सकता, ना कोई बताता है कि पृथ्वीराज की मृत्यु कैसे हुई, पृथ्वीराज की मृत्यु कैसे हुई। लगभग इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज को यही बंदी बनाया था और यही मार दिया था गौरी ने। लेकिन हम देखो, हम देखेंगे किसकी तरफ से, पृथ्वीराज रासो की देखेंगे ये कहानी। पृथ्वीराज रासो क्या कहता है, पृथ्वीराज रासो की कहानी देखेंगे हम। पृथ्वीराज रासो लिखा किसने था, चंद्र बरदाई ने, चंद्र बरदाई ने। और चंद्र बरदाई की एक बेटी थी, उसका नाम क्या था, एक बार पूछ लिया कि चंद्र बरदाई की बेटी का क्या नाम है, राजबाई। और पृथ्वीराज का एक पुत्र था, सॉरी चंद्र बरदाई का एक पुत्र था, कौन, जल्लण है। क्या नाम आता है, जल्लण। किसका पुत्र है ये, चंद्र बरदाई का पुत्र है, जो पृथ्वीराज रासो का रचेता है। ठीक है, पृथ्वीराज और चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई कहता है, ठीक है, पृथ्वीराज और चंद्र बरदाई के बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि एक थाल जन्म और एक थाल मरण, मतलब एक साथ ही तो इनका जन्म हुआ था पृथ्वीराज और चंद्र बरदाई का, और एक साथ इनका क्या हुआ था, मरण हुआ था। ये कहता है कौन, चंद्र बरदाई, कि गौरी को, गौरी ने पृथ्वीराज को क्या कर लिया, बंदी बना लिया, बंदी बना लिया। और बंदी बना के कहाँ ले गया पृथ्वीराज को, अपने साथ ही ले गया। और पृथ्वीराज क्या हुआ, वहाँ दरबार में आंखें दिखा रहा था, किसको, मोहम्मद गौरी को। तो गौरी ने क्या कि आंखें ज़्यादा दिखा रहा है, तो बोला हाँ, तो उसकी क्या की, आंखें फोड़ दी। किसकी फोड़ दी, पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गई, और उसको क्या कर दिया, जेल में बंद कर दिया गया, कहाँ, गजनी में। ये कहानी कौन बताता है, ये कहानी बताता है चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई गया कहाँ, पृथ्वीराज के पास, ठीक है, गौरी के पास गया पृथ्वीराज से मिलने के लिए। ठीक है, पृथ्वीराज की आंखें फूटी हुई देखी, इसको आंखें फूटी हुई देखी, लेकिन ये गौरी को क्या कहता है कि राजा, आज भी मेरे राजा की आंखें फोड़ दी तो क्या हुआ, आज भी राजा क्या करता है, तीर चला सकता है। यानी पृथ्वीराज आंखें फूटी हुई है फिर भी तीर चला सकता है, लेकिन गौरी क्या कहता है कि अगर तू मेरा टाइम पास कर रहा है तो तेरी भी आंखें फोड़ दूंगा। क्यों, ना ना ना, टाइम पास कौन करूं, तो एक बार चला तो देखो। तो गौरी बोले कि चलो ठीक है, बुलाओ उसको, तीर कमान दिया उसको हाथ में। ठीक है, अब गौरी बैठ गया, गौरी बोले तो उसको पता चले कि गौरी किस तरफ बैठा है, लेकिन गौरी नहीं बोलता है। तो कहता है चंद्र बरदाई कि एक राजा है, पृथ्वीराज कौन, अभी तो राजा नहीं रहा लेकिन एक राजा था, और राजा किसका कहना मानेगा, राजा होगा उसी का मानेगा। तो कहा कि गौरी आप आदेश दो इनको तीर चलाने का, तो गौरी ने कहा कि पृथ्वीराज आप तीर चलाओ। तो चंद्र बरदाई ने एक जाके दोहा बोला था, चार बाँस चौबीस गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चूक चौहान। इसका मतलब क्या है कि चार बांस, यानी पहले लंबाई किस में नापी जाती थी, बांस में, चार बांस आठ अंगल, ठीक है, ता ऊपर सुल्तान मत चूक चौहान, ठीक है, और तीर मारियो पृथ्वीराज और गौरी बट्टई खत्म। ठीक है, बाद में पृथ्वीराज को चंद्र बरदाई ने चाकू मार दिया, ठीक है, और खुद ही चाकू खा लियो। जब सेना उसको गिरफ्तार करने के लिए भागी तो पृथ्वीराज को भी चंद्र बरदाई ने चाकू मार दिया और खुद ही चाकू खा लिया। वैसे गौरी की मृत्यु बताते हैं 1206 में हुई थी, खोकर जाट विद्रोह में हुई थी। किस में, खोकर जाट विद्रोह में हुई थी गौरी की मृत्यु, ठीक है, 1206 में हुई थी। ये तो हो गई चंद्र बरदाई की कहानी। बाद में पुस्तक किसको देके गया था, ये पृथ्वीराज के पास गया था चंद्र बरदाई, तो जलन को देके गया था, यानी ग्रंथ पूरा किसने किया था, जलन ने किया था। अब देखो ये कहानी पढ़ लेते हैं हम, पृथ्वीराज प्रबंध की,
पृथ्वीराज प्रबंध क्या कहता है, इनकी भी दो बात सुना रहे। ओके के वे पृथ्वीराज प्रबंध कहता है, गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया और कहां लेके आ गया, यहां वापिस कहां लेके आ गया, अजमेर। तरैन से कहां लेके आ गया, अजमेर लेके आ गया वापिस। कौन? गौरी पृथ्वीराज को। और वहां क्या करता था गौरी, दरबार लगाता था और उसको सामने जेल में बंद कर दिया, ठीक है। और ये बात क्या कि पृथ्वीराज सहन नहीं कर पाया तो प्रताप सिंह को कहा कि यार एक तीर कमान धनुष ला के दे देनी, बाद में मैंने मते सलटा दे। इस बात को पता किसको चला, गौरी को चला, और गौरी ने इसको क्या किया, एक खड्डे में फेंकवा दिया। ये कहानी कौन बताता है, पृथ्वीराज प्रबंध बताता है। अब एक कहानी लिखे हसन निजामी, हसन निजामी इनकी भी बात सुना रही। ओके के वे हसन निजामी, हसन निजामी कहता है कि इसने अधीनता स्वीकार कर ली थी, किसकी, मोहम्मद गौरी की। पृथ्वीराज ने क्या कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। अधीनता स्वीकार कर ली, ये हम कैसे पता करें कि अधीनता स्वीकार कर ली, तो एक सिक्का मिला था, एक सिक्का मिला था। उस सिक्के में क्या है, एक तरफ तो क्या है, पृथ्वीराज का चित्र बना हुआ है, ठीक है, और एक तरफ किसका बना हुआ है, मोहम्मद गौरी का। इससे पता चलता है कि इन दोनों ने अधीनता स्वीकार की थी, ठीक है। किसने की थी, पृथ्वीराज चौहान ने अधीनता स्वीकार की थी मोहम्मद गौरी की, उस सिक्के से प्रमाणित होता है, क्योंकि एक तरफ पृथ्वीराज की चित्र बना हुआ है और एक तरफ किसका बना हुआ है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का चित्र बना हुआ है, इससे प्रमाणित होता है। हो सकता है अधीनता स्वीकार की थी, हम मान ले उस सिक्के के आधार पर, क्योंकि यहाँ का शासक कौन बना था फिर आबाद में अजमेर का, गोविंद राय। कौन बना था, गोविंद राय बना था, जो क्या था, पृथ्वीराज का पुत्र था। किसका था, पृथ्वीराज का पुत्र था, पृथ्वीराज का भाई हरिराज। हमने पढ़ा था ना सोमेश्वर चौहान के और कर्पूरी के कितने पुत्र थे, दो पुत्र थे, हरिराज और पृथ्वीराज सेकंड। और पृथ्वीराज तो क्या बना था, अजमेर का शासक बना था, और हरिराज बेटा ही था, ठीक है। और पुत्र कौन है पृथ्वीराज का, गोविंद राय, ठीक है। पृथ्वीराज का भाई हरिराज ने यहाँ गोविंद राय को भगा दिया, क्यों भगा दिया, क्योंकि चौहानों को स्वतंत्र करने की कोशिश की थी, किसने, हरिराज ने की थी, कि चौहान स्वतंत्र रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो और इसको किस हरिराज ने क्या किया, इस गोविंद राय को यहाँ से अजमेर से भगा दिया। और गोविंद राय कहाँ आ गया, रणथंभौर आ गया, कहाँ आ गया, रणथंभौर आ गया, ठीक है। और रणथंभौर आकर क्या की, चौहानों की स्थापना की, और चौहान रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक किसको माना जाता है, गोविंद राय को माना जाता है, ठीक है। किसको माना जाता है, रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक किसको माना जाता है, और स्थापना किसने की थी, गोविंद राय ने की थी। इसमें आगे हम क्या पढ़ेंगे, रणथंभौर पढ़ेंगे, रणथंभौर क्या पढ़ेंगे, रणथंभौर पढ़ेंगे। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, लेकिन हम ये कौन सा, हसन निजामी वाला मानेंगे, और इस सिक्के को आगे लेकर हम अजमेर के जो चौहान थे वो तो खत्म हो गए, और आगे के हम कौन से शुरू करेंगे, रणथंभौर के चौहान शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों।